अस्सलाम वालेकुम ऑल, आप देख रहे हैं कराची फूड बाय रबिया। सो आज हम बना रहे हैं योगर्ट सैलेड। ये इसको आप स्वीट डिश भी कह सकते हैं, ठीक है। ये योगर्ट से बनती है, तो योगर्ट आप लोग नॉर्मल भी ले सकते हैं खुला डेयरी का। मेरे पास ऑप्शन में यही वाला रखा था तो मैंने कहा यही यूज़ करेंगे। प्लेन योगर्ट ले लीजिए, कुमेल यानी कि कंडेंस मिल्क ले लीजिए, पाइन एप्पल, एप्पल लाजमी चाहिए, बनाना ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें। इसके अलावा नट्स में आप लोग मोर नट्स भी ऐड कर सकते हैं, मैं बादाम ऐड करूँगी। क्रीम ऐड कर सकते हैं आप लोग, मैंने जो ली है वो मिल्क पैक की क्रीम है, तो आप लोग दूसरी भी ले सकते हैं, लाइक फुल क्रीम जो होती है डेरी वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर यूज़ होंगी, ठीक है। अब हम इसके अंदर योगर्ट जो है वो ऐड करने लगे हैं। ओके, अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। अच्छा, अब इसमें ऐड करेंगे आप कंडेंस मिल्क। अगर आप लोग चाहें तो शुगर ऐड करना शुगर कर सकते हैं इसकी जगह, अगर आप सुक्राल करना चाहें सुक्राल भी यूज़ कर सकते हैं। जितना मीठा आप लोगों को चाहिए आप लोग उस हिसाब से इसमें कंडेंस मिल्क को ऐड कर दें। अच्छा, आप इसको ना चिल करने के लिए फ्रीज़र में रख दें जस्ट 15 to 20 मिनट्स, उसके बाद हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। ओके जनाब, इसको हमने अच्छी तरीके से चिल कर लिया है। चिल करने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर फ्रूट्स ऐड करेंगे, पाइन एप्पल, ठीक है। इसमें हमने बनाना ऐड किया है, पाइन एप्पल है, और इसके अंदर जो है एप्पल है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब यकीन करें ये बिल्कुल क्विक और अमेजिंग अमेजिंग डेजर्ट है। इसके ऊपर हम नट्स ऐड कर देंगे, मैंने इनको क्रश सा कर लिया है, बादाम। हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से सारे जो फ्रूट्स हैं मिक्स कर दिए हैं, तो आप इसको चिल करके खाइए, मज़ा ही आ जाता है। आप इसका लुक देख सकते हैं, और यकीन करें इसका जो टेस्ट है ना उसमें आपको कहीं से नहीं लगेगा कि आपने इसके अंदर कोई दही ऐड किया है। इट्स जस्ट लुक लाइक अ रिच 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 स्वीट डिश। ओके जनाब, ये हमारी योगर्ट सैलेड जो है वो रेडी है। आप लोग रिव्यू हमें ज़रूर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर ऑल, अल्लाह हाफिज़।